अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एलके ट्विटर। टुडे आई एम हेयर टू प्रेजेंट यू अ न्यू टॉपिक विद अ न्यू वीडियो। और अगर आपको ये अच्छी लगे तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। टुडे आई एम डिस्कसिंग अ न्यू टॉपिक दैट इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिलेटेड टू द बायोलॉजिकल साइंसेस। बेसिकली वी कैन से डैट एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटांसिस अगेंस्ट द केमिकल आर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, लाइक स्विमिंग अगेंस्ट द वाटर टाइड इन अ रिवर। लाइक हम लोग कहते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें हमारे पास मूवमेंट होती है, सब्सटांसिस अपनी मूवमेंट शो करते हैं केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के अगेंस्ट। लाइक जैसे हम कहते हैं कि स्विमिंग जो होती है अगेंस्ट द वाटर टाइड इन अ रिवर, रिवर के अंदर जो वाटर टाइड की जो लेयर्स बनती हैं उसके अगेंस्ट जो स्विमिंग होती है डैट इज़ कॉल्ड द मूवमेंट। और वो जो मूवमेंट होती है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट लाइक मूवमेंट होती है। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स एनर्जी ऑब्टेन बाय द ब्रेक डाउन ऑफ हाई एनर्जी कंपाउंड लाइक द ATP। कहते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट को एनर्जी रिक्वायर होती है अगर होने के लिए, और वो एनर्जी कहाँ से आती है, ATP जो एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट है, ठीक है, हाई एनर्जी कंपाउंड है, वो ब्रेक डाउन होगा उससे जो एनर्जी रिलीज होगी, दिस एनर्जी इज यूज बाय द दिस फिनोमेना डैट इज कॉल्ड द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। टाइप्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो बेसिकली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्पेशल थ्री टाइप्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस एंड ट्रांससाइटोसिस। दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट विच वी विल डिस्कस वन बाय वन। So the first type that is called the endocytosis, it is basically a transport mechanism by which the macromolecules enter the cell. Macromolecules are those molecules which are larger in size. So endocytosis में हमारे पास क्या होता है कि ऐसा mechanism है active transport का जिसमें हमारे पास जितने भी substances या macromolecule है वो cell के अंदर जाएंगे, inside the cell. Endo mean inside, cytosis means cell, तो cell के अंदर जाएंगे। ठीक है, मैक्रोमालिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। लाइक वो पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते, सो दे आर ट्रांसपोर्टेड इन टू द सेल बाई एंडोसाइटोसिस। तो वो एंडोसाइटोसिस के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, सो उनको हम क्या एंडोसाइटोसिस के थ्रू ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। ठीक है, द सेकेंड टाइम इज सेकेंड टाइप इज सॉरी एक्सोसाइटोसिस। एक्सो मीन आउटसाइड, सो दिस इन दिस टाइप इन विच सब्सटांसिस आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द सेल। ठीक है, या रिलीज फ्रॉम द सेल, मतलब जो सब्सटांसिस अंदर आए थे वो बाहर जाएंगे, मतलब एक्सपेल आउट होंगे। ठीक है, आउटसाइड द सेल जाएंगे। अब वो आउटसाइड द सेल जाएंगे कैसे, उसके लिए हमारे पास एक मैकेनिज्म होता है। होता है ऐसे है कि सेल है, सेल में से सिक्रेटरी सब्सटांस रिलीज होंगे और ये किसकी फॉर्म में चले जाएंगे, क्या बन जाएंगे, वेजिकल की फॉर्म में। किस फॉर्म में, सिक्रेटरी वेजिकल की फॉर्म में। और ये कहाँ पर चले जाएंगे, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर, मतलब सेल में से निकलकर सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर सिक्रेटरी वेजिकल की फॉर्म्स में चले जाएंगे। फिर डी सिक्रेटरी वेजिकल्स फ्यूज विद द सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन के साथ क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। और फ्यूज होकर फिर ये क्या हो जाएंगे, सेल में से रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, हमें पता है सेल का एक क्या है, ये सेल है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है और ये आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। जिस वक्त साइटोप्लाज्म के अंदर जाएंगे तो ये सिक्रेटरी वेजिकल्स की फॉर्म में होंगे, तो ये सिक्रेटरी वेजिकल्स जिस वक्त सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होंगे तो ये यहाँ से निकल जाएंगे, मतलब यहाँ से ये होल हो जाएगा और यहाँ से ये निकल जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये सब्सटेंसेस या ये क्या कहते हैं मैक्रोमालिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे फ्रॉम द सेल इनटू द आउटसाइड एनवायरनमेंट। ठीक है, सेल से वो बाहर चले जाएंगे। सो इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, ये क्या है, एक्सोसाइटोसिस है। अभी हम लोग जो देखेंगे जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमने एक्सोसाइटोसिस पढ़ी थी, ये न्यूक्लियस आ गया, ये सेल है, ये हमारे पास क्या है, सिक्रेटरी वेजिकल है। ये पहले सिक्रेटरी सब्सटेंसेस की फॉर्म में थे, फिर ये सिक्रेटरी वेजिकल की फॉर्म में बन गए। और ये सिक्रेटरी वेजिकल हमारे पास जिस वक्त इसके साथ फ्यूज होंगे, क्या होंगे, पहले देखें ये नीचे थे, फिर ये सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हुए और फ्यूज होकर यहाँ से ये रिलीज हो जाएंगे, मतलब सेल मेम्ब्रेन इस तरह आउटसाइड इनवर्ड मूव हो जाएगी और ये यहाँ से जो सब्सटेंसेस हैं सिक्रेटरी सब्सटेंसेस यहाँ से रिलीज हो जाएंगे। तो ये हमारे पास कौन सा फिनोमेना आ गया है, एक्सोसाइटोसिस का। ठीक है, द थर्ड वन इज ट्रांससाइटोसिस। ट्रांससाइटोसिस इज बेसिकली द ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म इन विच एन
एक्स्ट्रा सेलुलर मैक्रो मॉलिक्यूल्स इंटर थ्रू वन साइड ऑफ सेल, माइग्रेट अक्रॉस साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल एंड एग्जिट थ्रू द अदर साइड। होता है ऐसे है कि कुछ मैक्रो मॉलिक्यूल्स एक साइड से इंटर होंगे, सेल की एक साइड से इंटर होंगे, साइटोप्लाज्म में से जाएंगे और दूसरी साइड से निकल जाएंगे। एग्जैक्ट ठीक है। तो पहले वो एक साइड से इंटर होंगे, साइटोप्लाज्म में माइग्रेट करेंगे, ठीक है, और फिर वो कहाँ से एग्जिट कहाँ से करेंगे, ऑन द अनदर साइड ऑफ द सेल। सो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ट्रांससाइटोसिस। अभी हम पढ़ेंगे कि मैकेनिज्म इसका क्या है, कि होता कैसे है, मतलब एक साइड से वो कैसे इंटर होंगे, फिर वो मतलब बीच में वो साइटोप्लाज्म के अंदर स्टे करेंगे, सेल का जो साइटोप्लाज्म है और जो लिक्विड पोर्शन होता है हमारे पास उस साइटोप्लाज्म के अंदर, और वो किस तरह वो दूसरी साइड से मूव आउट करेंगे। नाउ वी आर स्टार्टिंग अबाउट हाउ द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांससाइटोसिस टेक प्लेस। ठीक है, लाइक अगर हम देखें, ये हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस हैं और ये हमारे पास सेल है। सेल इन्विजिनेट होगा इनवर्ड और ये एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस अंदर चले जाएंगे। सेल के अंदर जाके ये हमारे पास क्या बना देंगे, एक वेजिकल की फॉर्म बना देंगे, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वेजिकल, और ये सेल के साइटोप्लाज्म में यहाँ पे स्टे करेंगे। आफ्टर दैट थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस, ठीक है, ये यहाँ से रिलीज होंगे, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन से फ्यूज होकर रिलीज होंगे और ये आउटसाइड द एनवायरनमेंट में आ जाएंगे। ठीक है, अब कहते हैं कि हमारे पास ये ऐसा मैकेनिज्म है जो कि एक सेलेक्टिवली ट्रांसपोर्टिंग मैकेनिज्म है, जो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सेलेक्टिवली ट्रांसपोर्टिंग द सब्सटेंसेस बिटवीन टू एनवायरनमेंट्स विदाउट एनी चेंज। ठीक है, कोई भी चेंज लाए बगैर हमारे पास वो सेलेक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो जाती है एक जगह से दूसरी जगह चीज़। ठीक है, हमने पहले कहा था ट्रांससाइटोसिस में हमारे पास क्या होगा कि एक साइड से चीज़ इंटर होगी, साइटोप्लाज्म के अक्रॉस स्टे करेगी और सेकंड जगह से, सेकंड पॉइंट अनदर साइड ऑफ सेल से वो आउट हो जाएगी। तो ये ऐसा ही हुआ है। इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि जो प्रोटीन है वो कैपिलरी ब्लड से जाता है इंटरस्टिशियल फ्लूड के अंदर। ठीक है, इंटरस्टिशियल फ्लूड के अंदर जाता है थ्रू द एंडोथेलियल सेल्स। ठीक है, अब देखें एक तरफ से जा रहा है, ठीक है, और दूसरी तरफ से, मतलब ये प्रोटीन जो होता है, ये जो प्रोटीन्स हैं ये हमारे पास कैपिलरी ब्लड से होते हुए किधर जाएंगे, इंटरस्टिशियल फ्लूड के थ्रू, जो किसके थ्रू जाएंगे, मतलब ये एक एंड है, ये दूसरा एंड है, और ये जो बीच में जो स्टे करेंगे वहाँ पे वो क्या है, एंडोथेलियल सेल्स, मतलब ये इनको लेकर जाएंगे इस प्रोटीन्स को। कहते हैं कि जितने पैथोजेंस होंगे लाइक HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशेंसी वायरस जो होता है, आल्सो ट्रांसपोर्टेड थ्रू दिस मैकेनिज्म। हमारी बॉडी के अंदर ये जो वायरस ट्रांसपोर्ट होता है वो भी इसी मैकेनिज्म ट्रांससाइटोसिस के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब एक साइड से, सेल की एक साइड से वो एंटर होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर वो स्टे करता है या मूव करता है, और फिर वो दूसरी साइड से, अनदर साइड से वो चला जाता है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द ट्रांससाइटोसिस, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांससाइटोसिस। सो टुडे वीडियो वी हैव डिस्कस थ्री मैकेनिज्म्स आर थ्री मेजर स्पेशल टाइप्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट दैट आर एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस एंड ट्रांससाइटोसिस एंड देयर मैकेनिज्म्स विद द डायग्राम्स। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल आंसर यू इंशाल्लाह। और इसके अलावा आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। ठीक है, अपनी दुआ में याद रखना है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।